जिंदगी में स्वागत किया था, दिल खोल के दूर भाग गई थी हमसे फकीर बोल के। अभी आते हैं मैसेज उसके, बोलती है कोलैबोरेशन कर लो प्लीज बोल के। वो तो फ्री फायर ने लूटा पबजी में, कहां दम था। हमने फ्री फायर इसलिए मोबाइल में इंस्टॉल किया क्योंकि हमारे मोबाइल में रैम कम था। यही ना बात, यही नहीं अभी और सुनिए। सो गाइस हम लोग आ चुके हमारी एक और न्यू रिएक्शन वीडियो को लेकर। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग अज्जू भाई 94 और गाइस बैच 99 की जो शायरी है उसका वर्सेस करने वाले हैं। मतलब कि एक वीडियो है जिसमें ना अज्जू भाई 94 एंड बैच 99 की शायरी का वर्सेस हुआ है एंड हम लोग उसको स्कोर करेंगे किसकी शायरी कितनी बेस्ट और कैसी शायरी। मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। सो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और गाइस अगर चैनल पर नए जल्दी सब्सक्राइब कर लो, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर देना और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे मेन बात रिलैक्सिंग होने वाले, बिकॉज आज हम शायरी बैटल करने वाले हम सब के फेवरेट अज्जू भाई वर्सेस हमारे फेवरेट बैच 99 के बीच। सो ये वाले वीडियो का एंड तक देखो एंड अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक फ्री फायर प्लेयर हो, आप अज्जू भाई के फैन हो, बैच 99 भाई के फैन हो, आपका दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो ये वाले वीडियो को जरूर से देखिएगा, बिकॉज आपको ये वाले वीडियो काफी ज्यादा मजा भी आएगा एंड आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश भी हो जाएगा। सो इसीलिए ये वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखिए। चलिए आज का ये वाले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको इधर दोनों का मतलब हमारे अज्जू भाई एंड हमारे बेस्ट फ्रेंड एंड भाई के दोनों का शायरी सुनाऊंगा, ठीक है। एंड आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में रेटिंग दोगे किसका शायरी सबसे बेस्ट है। दोस्तों पहले बोलती थी तू बंदा बड़ा गंदा है, अच्छा नहीं यार तेरा ये धंधा है, और अभी देख के यूट्यूब पे वीडियो हमारी बोलती वो ये बैच 99 तो मेरा वाला बंदा है। तो गाइस ये तो था हमारे बैच 99 बाइक की शायरी जो की काफी ज्यादा हार्ड था, काफी ज्यादा ओपी था, मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये शायरी कैसा लगा। तो गाइस अब मैं आपको अज्जू भाई की शायरी सुनाने वाला हूँ एंड उसके बाद आप लोग खुद ही कंपेयर करना, आप लोग खुद ही मतलब बोलना कि किसका शायरी अच्छा है, अज्जू भाई का अच्छा है या फिर बैच 99 बाइक का शायरी अच्छा है, ठीक है। तो गाइस अब लिए मैं आपको अज्जू भाई का दिखाता हूँ। तो अमित भाई देखो एक शायरी में तुम्हें सुनाता हूँ, इस शायरी का क्रेडिट जाता है सुनील ठाकुर को, सुनील ठाकुर ने शायरी लिखी है। और भाई का कहना है चीटी चढ़ी पहाड़ पे अंग्रेजों का जमाना था, चीटी चढ़ी पहाड़ पे अंग्रेजों का जमाना था, अज्जू भाई के एडब्ल्यू से निकली गोली अमित भाई के हेड पे निशाना था। गाइस ये तो था हमारा अज्जू भाई का शायरी जो कि काफी ज्यादा हार्ड था, काफी ज्यादा ओपी था। तो सच्ची बताऊं तो मेरे को दोनों का शायरी मतलब हमारे अज्जू भाई एंड बैस भाई का दोनों का शायरी काफी ज्यादा ओपी लगा, काफी ज्यादा हार्ड लगा। ओके तो इसको तो दोनों का शायरी अच्छा लगा, तुम्हें कौन सा शायरी ज्यादा बेस्ट लगा? 10 आउट ऑफ में कितना रेट किसको दोगी? बेस्ट नहीं बेस्ट नहीं पर 10 ऑफ 10 ओ और अज्जू भाई, अज्जू भाई को 10 of 8 ओके ज्यादा फनी था, हम लोग एटीट्यूड वाला ज्यादा पसंद आई थी उसने आपको, ठीक है। एंड मेरे को हाँ ऐसे ही कुछ स्कोर में, लेकिन मेरे को फनी ज्यादा पसंद आते ही नहीं शायरी क्योंकि मेरे को हंसी नहीं आती है ज्यादा, देखा होगा मेरे को फनी शायरी भी नहीं आती, वो एटीट्यूड वाली शायरी मस्त लगती है। तो मतलब 10 out of 10 तो मैं बैच को दूंगी एंड अज्जू भाई को 10 out of 7 सॉरी अज्जू भाई। आप लोग वापस सुनो हमारे बैच भाई का शायरी। जिंदगी में स्वागत किया था, दिल खोल के दूर भाग गई थी हमसे फकीर बोल के। अभी आते हैं मैसेज उसके, बोलती है कोलैबोरेशन कर लो प्लीज बोल के। सो गाइस ये था हमारा बेस्ट बाइक ओपी मतलब कतई हार्ड वाला शायरी जो कि अभी मेरे को सच्ची मतलब तो काफी ज्यादा ओपी लगा। अभी मैं आपको अज्जू भाई का भी दिखाने वाला हूँ, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताओ किस शायरी सबसे ओपी है, ठीक है। एंड राउंड वन के लिए इंतजार करना बिकॉज मैं दोनों का मतलब अज्जू भाई एंड बेस्ट बाइक दोनों का ओपी से मतलब ओपी से ओपी शायरी दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज उसके लिए वीडियो में बने रहना, ओके। तो वापस आप अज्जू भाई का शायरी सुनो एंड उसके बाद कंपेयर करो। हमको तो फ्री फायर ने लूटा पबजी में, कहां दम था। हमने फ्री फायर इसलिए मोबाइल में इंस्टॉल किया क्योंकि हमारे मोबाइल में रैम कम था। ये था हमारा अज्जू भाई का शायरी। मेरे को मालूम है कि अज्जू भाई का शायरी कुछ लेम टाइप का शायरी था, बट स्टिल मैंने अज्जू भाई का एक मेन शायरी बचा कर रखा है राउंड वन के लिए। तो उस शायरी सुनने के लिए वीडियो में बने रहना गाइस एंड प्लीज कंपेयर करना कि राउंड टू का विनर कौन है। अभी बताइए राउंड टू में कौन तुमको अच्छा लगा? बैच 99 या अज्जू भाई? मेरे को अच्छा बताओ कौन लगा सीरियसली? बैच 99। हां बैच 99 ऑब्वियसली यार, बहुत मस्त लगा मेरे को, तुमने गेस कर लिया बैच भाई है या फिर अज्जू भाई, ठीक है। मेरे को लगता है बैच भाई होंगे बिकॉज़ मैंने अज्जू भाई का इतना ओपी शायरी नहीं दिखाया,
बट स्टिल राउंड वन के लिए मैंने रखा है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं राउंड वन, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग बैस भाई का साइरिस रैप है, सबसे पहले रैप सुनो। चलो कुछ नया ट्राई करता है, लेट्स डू दिस। सुबह हो गई या फ्री फायर में खेलूंगा, रातों को नहीं चना फ्री फायर में खेलूंगा, स्क्वाड पे जाके नंबर वन में ले लूंगा, अकेला ही जाके पूरी स्क्वाड में बेलूंगा, काला हारी पे नहीं बरबूडा जाऊंगा, स्नाइपर हाथ लेके मैं कहर मचाऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर बैठे फ्री फायर चलाऊंगा, चिकन डिनर नहीं भूया करवाऊंगा। गाइस आपको ये वाला शायरी कैसा लगा? मतलब आई थिंक ये शायरी एकदम रैप मस्त लगा, सबसे बेस्ट शायरी रैप बोलेंगे ना, रैप मस्त। मैं आपको अभी इधर अज्जू भाई का भी शायरी सुनाने वाला हूँ, फिर आप कंपेयर करना कि किसका शायरी बेस्ट है, बैस भाई या फिर अज्जू भाई। तो गाइस चलिए अज्जू भाई की शायरी की तरफ बढ़ते हैं। कि हमारे पास ऐसा एक दोस्त है जिससे मांगोगे पैसे तो वो देगा तुम्हें चिल्लर, कि हमारे पास ऐसा एक दोस्त है जिससे मांगोगे पैसे तो वो देगा चिल्लर। अब तो बोलो वाह वाह वो वाँ। वाँ। वो अमित भाई जिससे बोट ही मरते हैं गेम में, इसलिए हम उसे बोलते हैं बोट किलर। भाई अभी एक बात बताती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे शायरी वर्सेस चल रहा था, तो बैस 99 ने रैप बोला, इन्हें शायरी बोला, तो अभी किसको बेस्ट बोलना चाहो? शायरी, अगर शायरी कॉम्पिटिशन तो शायरी को ही बोलेंगे ना। हाँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अज्जू भाई को बोलूंगी कि मतलब अज्जू भाई का शायरी ज्यादा अच्छा था, शायरी में अज्जू भाई का रैप। हाँ, रैप चल रहा होता तो बोलते ना यार, बट शायरी वर्सेस चल रहे अज्जू भाई को पॉइंट जाएगा जो फर्स्ट राउंड का। क्या बैकग्राउंड है ना, मस्त सा। चलो एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, हाँ पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, बस यार काफी है। नहीं सर, काफी नहीं था, काफी नहीं था, ये बहुत सुंदर था, बहुत मजा यार। फिर सुनिए गाइस 99 पूरा रैप लेकर मस्त लग रहा था यार, सुनने आप भी हम लोग का मन लगा और आपने ऐसा कर दिया, गलत बात यार। इतना मुश्किल बना रखा है अपने दिल तक का रास्ता, कि चलते चलते मिलने की चाहत ही खत्म हो गई पूरी। रिश्ते दो तरफा बनते हैं, उनको बनाने के लिए कोशिश भी दो तरफा करनी पड़ती है। I thought you already knew that. आपका अभी तो फ्रेंड ऑनलाइन आ गया होगा ना, मैं चलता हूँ। ये फनी मोमेंट्स है मैच में। हाँ, तो गया है, पर हम खेल चुके हैं मैच आपके साथ। ओह, पर I'm sorry यार, मेरी प्लैटिनम रैंक है माइनस हो जाएगी। आपसे मैच करने के बाद ना मुझे एक चीज तो सीखने को मिली यार। क्या? आप जैसे ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स के लिए ना, आप ग्रैंड मास्टर प्लेयर हो ना, मुझे ऐसा बता रही थी। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में पुश करा था। हाँ, तो पता है आप जैसे ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स के लिए ना, हमारे लिए एडमी काफी है। आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।